सोयाबीन की नई फसल आने के बाद सोयाबीन के भाव को लेकर काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है और अलग अलग स्थानों पर सोयाबीन की कीमतें अलग अलग देखने को मिल रही हैं। सोयाबीन की नई फसल आने से कीमतों पर दबाव बनता हुआ नजर आया है और सरकार जो सोयाबीन का आयात कर रही है उससे भी सोयाबीन की कीमतों पर काफी बुरा असर पड़ा है। किसानों को सोयाबीन के दाम पहले 10,000 के करीब मिल रहे थे, सोयाबीन का आयात होते ही और नई आवक आते ही कीमतें अचानक से धड़ाम हो गई। कीमतें 10,000 से सीधे 3,000 से 4,000 तक नीचे में आ चुकी हैं। बात करें अगर सोयाबीन के घरेलू उत्पादन की तो सोयाबीन के घरेलू उत्पादन को लेकर काफ़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, कोई ज़्यादा तो कोई कम बता रहा है। जानकारों के अनुसार पिछले साल सोयाबीन का उत्पादन 8.9 मिलियन टन देखने को मिला था और इस बार 10 मिलियन टन के आसपास का उत्पादन का अनुमान अभी हाल फिलहाल में लगाया गया है। वहीं ग्लोबल सोयाबीन प्रोडक्शन बढ़ने का अनुमान है कि सोयाबीन सहित पाम सनफ्लावर उत्पादन में बढ़ोतरी हो सकती है। इधर ग्लोबल सोयाबीन उत्पादन बढ़कर 740 लाख टन पहुंच सकता है जिसके चलते इसमें गिरावट आ सकती है। सोयाबीन की कीमतों में अभी गिरावट की आशंका बनी हुई है और जो जानकार हैं सोयाबीन में अभी सावधानी बरतने को कह रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।